हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन योर मैथ्स क्लास. नाउ वी विल कंटिन्यू चैप्टर टू, चैप्टर एक्सरसाइज सेकंड बी. फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द नंबर्स ग्रेड्स एंड रीड देम अलाउड. अब इनमें आपको ये जो मिसिंग नंबर हैं वो आपको लिखने हैं. तो ये क्या है हमारे, सेम वही है लास्ट चैप्टर वाला, उसमें 100 तक थी काउंटिंग और इसमें हमारी 1000 तक हैं. ठीक है, तो यहाँ हमारी स्टार्ट होती है 1001 से और कहाँ तक लिखनी है हमें, 1040 तक. तो हमें यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. देखिए 1000 तो सभी में चलेगा और वही 1 से काउंटिंग रहती है हमारी, तो 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 और 1009. 10 दे रखा है तो कोई बात नहीं, हम नहीं लिखेंगे. अभी हम यहाँ से कहाँ से लिखेंगे, 1011. ठीक है, इस तरीके से जो लिखी हुई है इसमें वो नहीं लिखेंगे, उससे नेक्स्ट वाली हम लिखेंगे. तो इस तरीके से ये आपको काउंटिंग लिखनी है. बी वाली भी सेम है, इसमें 3058 से काउंटिंग आपको स्टार्ट करनी है. कहाँ तक लिखनी है, 3097 तक, 3097 तक. सेम है ये भी. नेक्स्ट, ये सारी आपकी काउंटिंग सेम है. ठीक है, ये आपको होमवर्क में करनी है सारी. सेम वही काउंटिंग है, 4221. इसमें अब 100 भी दे दिया है, उसमें तो अभी आपको 1/10 तक ही दे रही थी, इसमें अब आपको 100 भी स्टार्ट हो गया. इसमें 200 आ रहा है, इसमें 300 है, इसमें 900 है. ठीक है, इसमें भी 900 है. तो सेम काउंटिंग है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी की सेम काउंटिंग लिखनी है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. इसमें हम आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो आपको अलग अलग डिजिट दे रखी है, 1000 की अलग, 100 अलग, 10s और 1s अलग. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे और कॉमा लगा के लिखनी है. हम 1000 के बाद कॉमा लगाते हैं, तो कितने 1000 है, 4, फिर कॉमा लगाइए. 100 कितने हैं, 2, और ये 1s नहीं है तो, और 10s नहीं है तो 0 लगा दिया. अगर 0 दे रखे तो हम 0 ही लिखेंगे, और 8 है तो 8. ठीक है, सेम ऐसे ही आपको करना है. ओके, थैंक यू.